हेलो एवरी वन यू वॉन्ट मी टू स्पीक इन गुजराती हिंदी और इंग्लिश हिंदी ओके आप सब कैसे हैं मेरा सूत्र है आज का रोगों से नहीं किंतु डॉक्टरों से सावधान कुछ 1970 तक ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो 210 बाय बाई एंड गिनी जाती थी फार्मेसियों की दवाई नहीं बिकती थी उन्होंने अप्रोच किया इंश्योरेंस कंपनी वालों को और ऑल ऑफ ए सडन ब्लड प्रेशर के सारे पेशेंट हो गए आज वो धीरे धीरे गटते गिटते 120 बाय 80 आ चुका है अब इससे आगे नहीं जा सकते शायद रामचंद्र परमंस ने सही लिखा था कि दो 21वीं सदी के डॉक्टर्स और लॉयर के लिए स्वर्ग में जगह नहीं होगी सो so, मैं आज का जो मेरा वेल आई एम आई वेद अ प्रैक्टिशनर मैंने होम्योपैथिक भी किया है मेरे पूज्य दादाजी ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ गुजरात आयुर्वेदा वन एसोसिएशन इन एटीज़ कुछ उनसे सीखे हुए जो नुस्खे हैं जो निचोड़ है मैं आपके बीच में शेयर करने आया हूँ सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय गवर्नर साहब आचार्य देवदत्त जी जो दिल्ली से आए हमारे नाम मैं बोल रहा हूँ अनंत सर जी और हमारे यो योगाचार्य जो शिशुपाल जी उनकी बातों को थोड़ा थोड़ा मैं आगे ले जाना चाहता हूँ सबसे पहले हमारे बीच में जो एनर्जी का थोड़ा सा अभाव आ रहा है मैं उसको थोड़ा चार्ज करना चाहूँगा आप मेरे साथ सहमत हैं तो एक तीन साल का बच्चा पूरे दिन में एवरेज सिक्सटी सेवन टाइम हंसता है और एक 67 वर्ष का व्यक्ति दिन में तीन बार नहीं हंस सकता है तो हम पहला चार्ज करने के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा अट्ट हास्य करेंगे और सभी को मेरे साथ हँसना है जोर से और पेट से आवाज़ निकलनी चाहिए जिसे हम अपना सभी प्रकार का तनाव सभी प्रकार की अंतस्रावी यानी कि एंडोक्रीनल ग्लैंड्स को हम स्टिमुलेट करेंगे और काफ़ी हारमोन्स हम शरीर में पैदा करने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक मिनट में मेरे साथ सब हंसेंगे और जो नहीं हंसेगा उसकी सासू मां कसम। सम वन टू थ्री स्टार्ट जो नहीं हंस रहा उनका पिक्चर आ रहा है अभी देखिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में बहुत सही लिखा था कि जीवन में हमारे समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं न तो वो हंसते हैं न किसी को हंसने देते हैं मैंने ढूंढ लिए वो तीन प्रकार के लोग यहां से पहला होता है इतना सा काम करता है लेकिन बहुत किया ऐसा दिखाना चाहता है वो दूसरा होता है कि जिम्मेदारियों का जो बोझ लेके घूमता रहता है और तीसरा होता है वो बहुत ही खतरनाक कीड़ा है हमारे समाज में वो है ईगो न तो वो हंसने देता है ना हंसता है मेरे गुरु जी ये बताते हैं कि ईगो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी होता है कि भाई मैं बड़ा हूं मुझे ये आता है फलाना है टिकुना है और इंफिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का भी ईगो होता है कि मुझे कुछ नहीं आता वो भी एक प्रकार का ईगो है ये दोनों के बीच वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है तो मैंने देखा कि दोनों के बीच वाले व्यक्ति यहाँ थोड़ी काफ़ी हैं हालांकि टेम्पररी होंगे लेकिन अन्यथा मैं इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहता हूँ तो मेरे कुछ आज के पॉइंट्स हैं उस पर मैं जाना चाहता हूँ हालांकि मेरे आयुर्वेद के आयुर्वेदा के ऊपर काफ़ी मेरा मंथन है उसके ऊपर काफ़ी मेरा स्टडी है लेकिन मैं नेचुरोपैथ भी हूँ तो मेरी प्रैक्टिस में मैं ज़्यादातर मैं यूएस में रहता हूँ और मैंने 42 कंट्रीज़ में मैंने जाके अपनी लाइफ देखी है उनकी कि वो लोग कैसे खाते हैं स्ट्रेस को हैंडल करते हैं कैसे लाइफ जीते हैं वगैरह तो वो उसका थोड़ा निचोड़ मैं आपके बीच में शेयर करने आया हूँ फिलहाल मैं डेढ़ साल से कोरोना की वजह से भी इंडिया में ही हूँ लेकिन यूएस लोग और यूके वाले जो लोग होते हैं वो कैसे जीते हैं और हम कैसे जीते हैं मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया था कुछ दस हजार सौ लोगों के ऊपर तो उसकी आपकी इजाजत हो तो मैं चार कंपैरिजन आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं आप सुनना चाहेंगे वन so, जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है यूएस में यूके में वो और एक गोरा व्यक्ति कैसे जीते हैं तो एक गोरा व्यक्ति पूरे वीक में चालीस आवर से ज़्यादा काम नहीं करता ज़्यादातर कुछ कुछ को मजबूरी होगी लेकिन ज़्यादातर गोरा जो व्यक्ति होते हैं वो 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते उसके मुकाबले एक हमारा हिंदुस्तानी या एशियन व्यक्ति जो होता है वो कम से कम 70 घंटे काम करता है या तो जब तक उसको काम मिलता है वो करना बंद नहीं करता है तो पहली कंपैरिजन ये है दूसरी कंपैरिजन मैंने ये ढूंढी कि एक गोरा व्यक्ति एक छोटे से मकान में या छोटी सी कार लेके वो खुश रहता है जबकि हमारा एक इंडियन व्यक्ति या एशियन व्यक्ति जब तक वो महंगे से महंगी कार फाइव बेडरूम हाउस ऐसी महंगी चीजें जब तक वो अचीव नहीं करता तब तक वो काम करते रहता है उसको पता है कि मेरे बेटे के लिए उसके बेटे के लिए भी मुझे इकट्ठा करना है तो विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आपने सपूत पैदा किया था तो उसके लिए टेंशन करने की क्या जरूरत है उसके लिए पैसा इकट्ठा मत करना वही खुद कमाएगा और आपके दुनिया की सैर कराएगा और अगर आपने कपूत पैदा किया है अनफॉर्चुनेटली तो उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है जितना इकट्ठा करोगे वो तो गवा देगा तो इसके ऊपर ही मैंने पूरा ये चार जो मुद्दे हैं उसको मैंने कंपैरिजन किए थे तो एक गोरा व्यक्ति छोटी कार छोटे घर में वो खुश है जबकि एक हमारा इंडियन जब तक बी मर्सिडीज़ नहीं लाएगा वहाँ पर तब तक वो मेहनत करता रहेगा जब तक उसकी बैंक बैलेंस ठीक नहीं होगा प्रॉपर्टी नहीं इकट्ठी करेगा इंडिया में वहाँ पर तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा तीसरा एक गोरा व्यक्ति सिक्सटी और सिक्सटी फाइव के बीच में रिटायर हो जाता है जबकि एक इंडियन व्यक्ति जब तक उसकी सांसों में दम होता है तब तक वो काम नहीं छोड़ता और जो अंतिम मैंने ढूंढा है वो बहुत ही इफेक्टिव है वो आज की सभा में सबको अप्लाई भी हो सकता है कि हर गोरा व्यक्ति हर तीन या छः महीने में अपने परिवार को या अपने स्पाउस को वो लेके जो वातावरण में रहता है उसके विपरीत वातावरण में वो जाएगा जिसको हम आयुर्वेद में स्थानांतर बोलते हैं और हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉलीडेज बोलते हैं कुछ कुछ समय के अंतर पे आपको स्थानांतर करना बहुत ही आवश्यक है आपके बॉडी को सेल को रीजनरेट करने के लिए जो तनाव है ना अमेरिका में ऐसा कहते हैं कि 92 परसेंट पीपल आर अंडर स्ट्रेस मोरलेस तो ये तनाव को कम करने के लिए हर तीन छः महीने पे आपको अपने स्पाउस के साथ अपने विपरीत वातावरण में जाना है जैसे कि यहां जामनगर का वातावरण है उससे विपरीत वातावरण कौन सा है हिल स्टेशन चले जाओ कोई भी कोई भी ठंडे प्रदेश में चले जाओ छः महीने नहीं जा सकते कोई बात नहीं बारह महीने चले जाओ दो दिन ज्यादा लेके जाओ लेकिन ये करने से आपके दिमाग में जो तनाव पैदा होता है उसमें काफी फायदा मिलेगा और उसके मुकाबले एक इंडियन पर्सन क्या करता है हर गोरा व्यक्ति तीन से छः महीने में अपनी वाइफ को लेकर दरिया किनारे पर सोया रहेगा जबकि एक इंडियन वहां से इंडिया से अब, सॉरी एब्रोड से आएगा इंडिया में दस पंद्रह शादियां अटेंड करेगा और इतना नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलने को मन करता है कि इतना खाएगा वो और सब बीमारियां लेके वापस जाएगा तो ये चीज़ हमारी जो चार मुद्दों की है अगर इसको हम डिटेल में समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में लिखी है आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि हर दर्दी को जो जो जटिल रोग लेके आता है असाध्य रोग रोग लेके आता है इनक्योरेबल जिसको बोलते हैं उसको भी इससे फायदा मिलता है तो मेरा चार सूत्रों का कार्यक्रम क्या है हमारा आहार हमारा नींद मतलब सोना और तनाव और आखिरी चीज पानी तो आहार तो पता है सबको कैसा लेना जैसे बहुत सारे लोगों ने काफ़ी बोल दिया कि आहार कैसा लेना है लेकिन आयुर्वेद क्या मानता है नेचुरोपैथ शायद उसमें हमारे हमने जोड़ा हुआ है नेचुरोपैथ और आयुर्वेद को मैं कॉम्बिनेशन करके बोल रहा हूँ आयुर्वेद में ये कहते हैं कि योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी किंग साइज मतलब सुबह का खाना राजा जैसा खाओ लंच शुड बी प्रिंस स्टाइल मतलब राजा का बच्चा जितना खाता है उतना खाओ और डिनर शुड बी बैगर स्टाइल बैगर बोले तो जितना आपके हाथों में आता है जो भिखारी बेचारा मांगता है दो हाथों में उतना आता है और जो दो हाथों में आपकी जो आ, समाने की शक्ति है तो उतना आपका स्टमक का कैपेसिटी है लेकिन एक बार मुझे एक भाई साहब ने बोला कि सर हम दो हाथों में लेके ऐसे माउंट भी तो कर सकते हैं ना तो मैंने उसको तो जवाब भी ऐसे ही दिया कि जितना माउंट यहां करोगे उतना माउंट यहां आएगा कहने का मतलब कि आपके स्टमक की कुछ कैपेसिटी है कि शाम का खाना तो आपको बिल्कुल हल्का जितनी भूख से आधा खाना चाहिए और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी किंग साइज मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है वो खा सकते हैं दिशा भी बताइए कि ब्रेकफास्ट आपको पूर्व दिशा में खाना चाहिए जिससे 15-20 प्रतिशत आपको पाचन तंत्र में फायदा मिलता है लंच आपको नॉर्थ डिरेक्शन में मुँह रख के खाना चाहिए और डिनर आपको पश्चिम दिशा में मुँह रख के खाना चाहिए जिससे हाँ सात्विक खाना खाते हैं फिर भी हमको कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये हो गया खाना अब हर व्यक्ति की प्रकृति है कोई वायु से जुड़ा हुआ है कोई पित्त से है कोई कफ से है एक ही प्रकार का मील अगर मैं तीनों व्यक्ति को ऑफर करता हूँ फुल कोर्स मील लेकिन किसी एक व्यक्ति को उससे ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी गैस्ट्रो इंटेस्टनल डिसऑर्डर्स उसको शुरू हो जाएंगे जिसकी प्रकृति वायु की होगी उसने क्या खाया होगा सब सूखी चीजें मतलब दालें खाई होंगी लिंटल्स खाए होगी। होंगे उससे उसकी जो वायु की जो प्रकृति है वो एग्रेवेट होती है जबकि दूसरा व्यक्ति पित्त की प्रकृति का है उसको वो चीजें नुकसान नहीं करेगी उसको जो भी फर्मेंटेड फूड होगा या कैफीन का सेवन ज्यादा करता होगा या तली हुई स्पाइसी चीजें उसने ज्यादा सेवन की होगी तो उससे उसका पित्त जो फायर है वो ज्यादा एग्रेवेट होता है तीसरा जो कफ का व्यक्ति होता है उसने अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाई तो उसके जो कफ से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है वो एग्रेवेट होते हैं मतलब क्या है आयुर्वेद में जैसे पंच महाभूत बोलते हैं ना कि आकाश और पृथ्वी के बीच में तीन एलिमेंट्स हैं हवा जिसको वायु बोलते हैं पित्त जिसको फायर बोलते हैं और पानी जिसको कफ बोलते हैं ये तीन ही तत्व से हम पैदा हुए हैं और जब हम विलीन होंगे तब भी हम तीन तत्वों से ही विलीन होने वाले हैं दूसरा है पानी सृष्टि पर सत्तर प्रतिशत पानी का हिस्सा है सिमिलरली हमारे शरीर में भी सत्तर प्रतिशत पानी ही है अगर पानी आप उठते मॉर्निंग में से चार ग्लास नहीं पीते हैं विदाउट मतलब एक ग्लास पानी पिया, आपने तुरंत घुट नहीं पीना है तुरंत पीना है एक ही सांस में। क्यों एक ही सांस सांस में। दिन में? में क्यों दिन बाकी का पानी आपको घुट घुट पीना है लेकिन जो मॉर्निंग का जो पानी है वो इसलिए आपको एक एक ही सांस में पीना है क्योंकि वो पानी आपका सीधा इंटेस्टन में मतलब कॉलोन में जाएगा जहां इकट्ठा होता है तो वह पानी आपको डिटॉक्स करने में फायदा करेगा अगर आपने सिप सिप पिया तो आपको यूरिन ज्यादा जाना पड़ेगा क्योंकि वो हजम हो जाता है आपकी सलाइवा उसमें मिक्स होती है इसलिए आपको पानी मॉर्निंग का जो है तीन से चार ग्लास अपनी आयु के हिसाब से अपने हाइट वेट के हिसाब से आपको पीना चाहिए अब आता है नींद मेरे पूज्य दादाजी 89 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी तब तक वो बिल्कुल हेल्दी थे मॉर्निंग में पौने छ बजे उनको अटैक आया और पंद्रह मिनट में वो पूरे हो गए लेकिन एटी नाइन ईयर्स तक उनकी नींद आठ घंटे से कम नहीं थी वो रात को दस बजे सोते थे सुबह छः बजे उठते थे तो आयुर्वेद में उसका वर्णन ये है कि जिसकी कफ की प्रकृति होती है उसको आठ से साढ़े आठ घंटे नींद लेनी चाहिए जिसकी वायु की प्रकृति होती है उसको सात और उसके आसपास नींद लेनी चाहिए घंटे और जिसकी पित्त की होती है वो साढ़े सात के आसपास लेनी चाहिए आपको पता है दुनिया में अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग रात को आठ घंटे नहीं सो सकते या तो वो उनके पास समय नहीं है या तो वो सो नहीं सकते तो नींद अगर आपकी सही है तो आपकी बैटरी चार्ज है एग्जाम्पल अगर ये मोबाइल मैं आपको एग्जाम्पल दू रात को पूरी रात को मैं चार्ज करता हूँ मॉर्निंग में देखता हूं कि हंड्रेड परसेंट चार्ज है मैं कितना खुश हो जाता हूं कि चलो पूरा दिन मेरा इस बैटरी से निकल जाएगा अगर मान लीजिए कि रात को कुछ प्रॉब्लम हुई अगर बैटरी चार्ज नहीं हो पाई फिफ्टी परसेंट ही रहा आपका मोबाइल आपको तनाव लगेगा कि मैं पूरा दिन निकालूंगा कैसे जैसे शाम आएगी आप डरते डरते आप क्या करोगे उसको यूज करोगे जहां दस मिनट बात करनी वहां दो मिनट बात करोगे क्यों आपको पूरा दिन निकालना है तो जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग रूपी बैटरी जो आपको हृदय को कंट्रोल करती है वो बैटरी आपकी तब भी चार्ज होगी आप सात से आठ घंटे नहीं सोगे तो और दोस्तों सिर्फ योगी ही पांच घंटे सो सकता है हम भोगी है हम योगी नहीं है तो हमें सात से आठ घंटे तो सोना ही होगा अन्यथा अगर आप योगी बन जाओ तो आपको भी पांच छह घंटे से ज्यादा जरूरत नहीं है तो ये इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात है आगे अगर देखें तो तनाव मैंने जैसे बताया कि 92% परसेंट पीपल आर इन अमेरिका दे आर हैविंग मोर लेस स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह सो उसका कारण क्या है हमारी आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ मैं एक बार लंदन में लेस्टर में मुस्लिम कम्युनिटी में गया था मैंने बोला था कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि हम पहले जब आदि मानव थे तो हम हमारी उम्र 500-700 साल होती थी तो उन्होंने सही बताया मुस्लिम कम्युनिटी वालों ने कि हमारे बाबा आदम भी 1000 साल जिए थे हमारे आज के समाज में मेरे समाज में तो नहीं है शायद आप हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो मेरे समाज में आज किसी की भी आयु 100 ईयर्स की नहीं है कोई है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आपके परिवार में आपके समाज में किसी की हंड्रेड ईयर्स की आयु है मुश्किल से एक जन ने दो जन ने हाथ खड़े किए हैं तीन जन ने हाथ देखिए अब देख लीजिए कितने परसेंट हैं। हम कुछ सदियां पहले जाए कुछ वर्ष पहले जाए तो हमारी आयु कितनी थी सौ साल से ऊपर थी ये साइंस क्या कर रहे हैं इतने सारे रिसर्चिस कर रहे हैं एवरी डे दे आर रिसर्चिंग उम्र नहीं बढ़ा रहे हैं वो लोग सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं रोग की दवा नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमारे आचार्य देवदत्त जी ने बताया मैं उससे बुरा सहमत हूं बहुत ही प्रभावित हूं कि आजकल की एलोपैथिक खैर मैं एलोपैथिक के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मेरा सूत्र है कि एलोपैथिक इज ओनली गुड इन एक्यूट इमरजेंसीज वेन योर सिम्टम्स आर सेटल डाउन प्लीज स्विच टू नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा और सिमिलर तो मेरा कहने का ये है कि हमें अच्छा मैं अभी लास्ट टाइम जहाँ सेमिनार दे रहा था तो मुझे पूछने आए कुछ पत्रकार कि सर आप इतने सारे लेक्चर देते रहते हो आपका कोई ड्रीम प्लान तो होगा कि नहीं होगा मैंने कहा बिल्कुल है अगर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता दी जाए तो आप क्या करना चाहोगे तो मैंने थोड़ा बहुत इसको डिटेल में बताया था मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ मैंने ऐसा कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में से चैलेंजिंग पेशेंट्स जो हैं जो कैंसर के भी हो सकते हैं लीवर सीरोसिस के भी हो सकते हैं किडनी फेलियर के भी हो सकते हैं और अन्य जो भी चैलेंजिंग पेशेंट्स हैं ऐसे में एक हजार पेशेंटों का मैं समूह इकट्ठा करूंगा सबको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है मैंने उस जगह पे मैं ले जाऊंगा और पता है कहां पे खड़ा किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने शहरों से गांवों से पांच सौ हजार माइल दूर जंगल में मैंने मिट्टी के घर बनाए हैं मैंने उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया है या मोबाइल वगैरह कुछ भी डिवाइसेस वहाँ पे मैं नहीं रखूंगा और मैं पूरा नेचर पे ले जाऊंगा उनको और हर प्रकार के फल सब्जियाँ और हमारी जो आयुर्वेद की हर्ब्स हैं मैं पहले उनको अप करूँगा और फिर पूरे हजार व्यक्ति को मैं छः महीने के लिए वहां छोड़ दूंगा और मैं दावा करता हूँ छ महीने अगर वो फल पे रहेंगे अगर वो पौधों पे रहेंगे अगर वो सब्जियों पे कच्ची खा के रहेंगे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा लोग हेल्दी होकर वापस आएंगे ये मेरा अपना ड्रीम है अब आगे इसको कैसे एग्जीक्यूट करना अभी मेरे दिमाग में नहीं पता कि क्या करना है कैसे करना है लेकिन ड्रीम है मेरे पास डेफिनेटली तो हमारा जो चौथा जो सूत्र था कि तनाव जिसमें आज दुनिया पूरी डूबी हुई है नाइन्टी टू परसेंट तो अमेरिकन आर इन्वॉल्व इतना तो मुझे पता है लेकिन वर्ल्ड वाइड थोड़ा इंडिया में कम है मैं देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर क्यों ज़्यादा है हम थोड़ा सा भी ड्राइविंग में गलती करते हैं तो फटाक से टिकट आ जाती है हम किसी से कुछ ज्यादा आवाज से बात करते हैं तो हमें डांट पड़ जाती है जॉब में लेट गए बा, बहुत बार हमें फायर कर देते हैं ऐसे हर जगह पे आपको तनाव तनाव मिलता है इसलिए वहां पे ज्यादा तनाव में लोग जी रहे हैं यहां पे मुझे आ, ये जानना है कि कौन लोग प्राणायाम करते हैं जरा हाथ खड़ा करना ज्यादा लोग कर रहे हैं मैक्सिमम लोग मैं उनके लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्राणायाम का मतलब आप जानते हैं कि नया जो प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर में ले जाना और पुराने जो रिसाइकल हुआ हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल के फेंकना एक सामान्य प्रक्रिया है लेकिन हम सांसे को क्यों कंट्रोल करते हैं हमारी जो सांसे हैं ब्रीद है उसको हम क्यों कंट्रोल करते हैं है? मेरे पास थोड़ा डेटा है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिटिविटी एज पर रेस्पिरेशन रेट तो एक सांप होता है स्नेक वो एक मिनट में सिर्फ चार बार सांस लेता है जो स्नेक होता है और उसकी आयु है 300 साल 300 हंड्रेड ईयर्स वो जिंदा रहता है एक टॉर्टॉइज है कछुआ वो एक मिनट में छह बारीन ब्रीद आउट करता है और उसकी आयु है 200 वर्ष एक कुत्ता है डॉग वो एक मिनट में अठारह बार ब्रीथ ब्रीद आउट करता है और उसकी आयु है सिर्फ बीस साल लेकिन अभी भी एक माउस है माउस रैब माउस बोले तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में चूहा यस चूहा जो होता है वो एक मिनट में एक सौ बार सांस लेता है और छोड़ता है और उसकी आयु सिर्फ चार वर्ष की है अब मैं आता हूं हमारे ह्यूमन बींग पे हमें एक मिनट में बारह बार सांस लेने का अधिकार है तो हम कितने साल जी सकते हैं हंड्रेड इयर्स, सौ साल जी सकते हैं लेकिन हम ज्यादा खाते हैं हमारी ब्रिथिंग ब्रिदावट ज्यादा हो जाती है हम गुस्सा करते हैं तो भी हमारे सांस बिगड़ जाती है हम बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं जहां हमारी हमारी ब्रीथ को हम वेस्ट कर देते हैं इसलिए हमारी आयु सौ साल तक नहीं पहुंचती है तो ये मैं आपको प्राणायाम का महत्व बताना चाहता हूँ कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए और उसके ऊपर ये, ये सब ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट की है आगे बताऊँ तो मैं एक अमेरिकन डॉक्टर से मिला था बोले कि आपका आयुर्वेदिक कितना बढ़िया है मैंने सिर्फ उसको आपको एक मैं नुस्खा बताना चाहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है उसको हाइड्रोसिल हुआ था डॉक्टर खुद को हाइड्रोसिल हुआ था टेस्टिकल में पानी भर जाना तो मेरे दादाजी बताया करते थे कि किसी भी हिस्से में अगर पानी भर जाता है वो चाहे इंग्वाइनल हर्निया हो या हाइड्रोसिल हो या कोई भी प्रकार का जहाँ सिस्ट जैसा हो जो पानी की गांठ बनती है तो मेरे दादाजी ने जो बताया था मैंने सिर्फ उसको सात दिन का नुस्खा बताया था और जनाब वो बिल्कुल इतना बढ़िया हो गया और डॉक्टर ने कितने लोगों को बताया आप भी शायद उसको नोट डाउन करके किसी को बता सकते हैं मैंने सिर्फ बताया कि आप सात अंडे लेके आइए देसी अंडे देसी अंडे को रोज को एक रोज एक अंडे को इस्तेमाल कीजिए उसको पूरा खोल के उसका जो भी पार्ट है अंदर का वाइट एंड येलो उसको आप एक चम्मच हल्दी के साथ मिला लीजिए और उसको पूरा फेंट के गरम कर दीजिए दो बार उसका उबाल हो जाए उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए जब गुनगुना रहे उसको हाइड्रोसिल पे पूरा लेप कर दीजिए और पेशाब का हिस्सा खुला रख के बाकी सब उसको ढक दीजिए पट्टी लंगोट से और जनाब रात को ये करने से और सुबह आपको छोड़ देना है वॉश कर लेना है और रोज रात को करना है सिर्फ सात दिन के लिए उनको ऐसा चमत्कार हुआ उन्होंने हजारों लोगों को बताया ये बिल्कुल सिंपल नुस्खा है आप अपनी प्रैक्टिस में चाहो तो कर सकते हो अच्छा मुझे एक चीज और भी शेयर करनी है जो अभी किसी डॉक्टर साहब ने बोली थी कि जबान पे कंट्रोल नहीं रहता इसलिए हम ज्यादा खा लेते हैं एम आई राइट हमें जबान पे कंट्रोल नहीं रहता ना और अच्छी चीज देखते हैं तो एक रोटी ज़्यादा खा लेते हैं सब्जी के साथ तो मेरे अनुभव में मैंने ऐसा पाया है कि जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों ने अपनी अच्छा पहले तो जबान कितनी साइज़ की होती है मैं ज़रा जानना चाहता हूँ उसकी साइज़ कितनी होती है कितनी थ्री इंच अच्छा जी मैं बहनों की नहीं पूछ रहा हूं भाइयों की पूछ रहा हूं अच्छा हालांकि <laughs> अढ़ाई इंच की जबान एवरेज होती है डॉक्टर विलियम गोल्डिंग की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी उसमें अढ़ाई इंच की जीप पे अढ़ाई सौ पेज का पुस्तक उसने लिखा हुआ है उसका मैं सारांश आपको बताना चाहता हूं कि एक ढाई इंच की जबान चाहे तो छह फुट के व्यक्ति को जंक फूड खिला के उसका शरीर को खराब कर सकती है और यही ढाई इंच की जुबान छह फुट के व्यक्ति का अपमान करने में एक सेकंड नहीं लगाती तो ढाई इंच की जबान, जबान के ऊपर काफी कुछ लिखा है हमारे गुजराती में कहावत है हमारे मतलब हम सब गुजराती हैं मैक्सिमम तो यहां कितने लोग गुजराती जरा हाथ खड़ा करना वेरी नाइस nice. ગુજરાતીમાં કહે છે ને કે ભાવે તેટલું ન ખવાય અને આવડે એટલું ન બોલાય એવું કે એવું સાંભળ્યું છે ને તો એટલે આપણે એને થોડુંક ધ્યાનમાં રાખવું પડે એટલે હું આજે તમને બધું શેર નથી કરવાનો જેટલું મારી પાસે સિક્રેટ છે હવે મારી પાસે ખાલી બે ત્રણ મિનિટ જ છે તો હું મારા પૂજ્ય દાદાજીનો મેસેજ અહીંયા કન્વે કરીશ અને પછી મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ જ્યારે હું ચૌદ વર્ષનો હતો ને ત્યારે મારા દાદાજીની આંગળી પકડીને હું આયુર્વેદ શીખવાનું મેં શરૂ કર્યું હતું અને ત્યારે મારા ઘરે એમના ગુરુ આવતા મારા દાદાજીના પણ ગુરુ આવતા જે આયુર્વેદના બહુ મહાન અનુભવ અનુભવી વ્યક્તિ હતા તો હંમેશા મહિને દોઢ મહિને એકાદ વખત આવે તો એ ચાય ન પીવે એમને ઇલાયચીવાળું દૂધ ગમે તો ઇલાયચીવાળું દૂધ કાયમ લઈ આવવાનું જોડે સાકરની વાટકી હોય જેટલી સાકર જોઈએ એમને નાખવી તો એક વખત મને થંતગણાટ થયો કે લાવો હું દૂધ લઈને જાઉં ચૌદ પંદર વર્ષની ઉંમરની હતી અને હું સાચે જ લઈ ગયો દૂધ ટ્રેમાં એક વાટકી હતી સાકરની ઇલાયચીવાળું દૂધ ઉકળેલું હતું અને મેં કીધું ગુરુજી કેટલી સાકર નાખું તો ગુરુજી કીધું બેટા એક દોઢ ચમચી નાખ તો જેવી હું સાકરની વાટકી ઉઠાવીને હું ચમચી લઈને અંદર નાખવા ગયો સમ એટલો નર્વસ થઈ ગયો હોઈશ કે એટલો એક્સાઇટેડ થઈ ગયો હોઈશ કંઈક તો થયું હશે તો મારા હાથમાંથી વાટકી છટકીને એ દૂધમાં પોણા ભાગની સાંકળ પડી ગઈ અને બાકી વેરાઈ ગઈ તો દાદાજી મારા મારી તરફ આંખો કાઢી કે તને સ્વામી ગુરુજીએ તને એક દોઢ ચમચી કીધી તે તો પોણા ભાગની વાટકી નાખી દીધી તો મિત્રો ગુરુજીએ શું જવાબ આપ્યો છે એ આપણને બધાને લાગુ પડે છે ગુરુજીએ એવું કીધું કે ભલેને સો ગ્રામ પચાસ ગ્રામ જેટલી સાકર પડી ગઈ હોય અંદર જ્યાં સુધી હું ચમચી લઈને એને હું હલાવીશ નહીં પૂરી રીતે ત્યાં સુધી આ દૂધ ફીકું ને ફીકું જ રહેવાનું છે અને મિત્રો જ્યાં સુધી આપણે ગમે તેટલી આવા સેમિનારને એટેન્ડ કરતા રહીશું પણ જ્યાં સુધી આપણે ઘરે એને મહેનત નહીં કરીએ હલાવવાની તો આપણે પણ ફીકા જ રહીશું એટલે હલાવવાનું શરૂ કરીએ આપણે થેન્ક યુ વેરી મચ Thank you, sir. Uh, sir, please. I would like to request Sri Keshubhai and Dr. Bhartesh Shah, sir, to present the memento to Dr. Rajesh Verma, sir. A huge round of applause for Dr. Rajesh Verma, sir. <clears throat> thank you so much with this we are ending with the first slot of speakers for the day and as shishpal ji mentioned tomorrow he has invited all of us for the yog shivir